हेलो दोस्तों, आज मैं मटर की पूड़ी और लौकी की खीर और धनी की चटनी बनाऊंगी। मैं अपना लौकी का खीर बनाने के लिए देखिए 1 लीटर दूध और 1 पाव पानी। अब मैं गैस को ऑन करूंगी। अब दूध हमारा पकेगा, तब तक मैं लौकी को घी में भून लेती हूँ। कढ़ाही हमारा गर्म हो रहा है दोस्तों, हमारा कढ़ाही गर्म हो गया। इसमें हम देसी घी डालेंगे अपनी लौकी को पकाने के लिए, जो घी बनाने वाले हैं। मैंने यहाँ 1 चम्मच भर के घी डाला है। मैं यहाँ पे 6 लोगों के लिए खाना बना रही हूँ दोस्तों। हम देखिए अपना लौकी छील के बढ़िया से पतला पतला काट लिए हैं। हमारा घी गर्म हो गया है, अब हम लौकी को पकाएंगे घी में। देखिए दोस्तों, हमारा लौकी लगभग गल गया है। इसको लेकिन हम 5 मिनट तक और पकाएंगे ताकि हमारा खीर गल जाए। ये देखिए, हमारा खीर वाला दूध खौल रहा है। इसमें हमने 1 मुट्ठी चावल धो के रख लिए थे, अब मैं इसमें डालूंगी पकने के लिए। देखिए दोस्तों, लौकी हमारा पक गया बढ़िया से। और हमारा इधर देखिए, दूध में चावल डाल दी हूँ, पक रहा है। अब इसमें हम अपनी लौकी भी डाल के पकाएंगे। इसमें लौकी डाल दिए। इस तरह से लौकी वाला खीर बनाने से बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा खाने में दोस्तों। अपना गैस ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे सरसों का तेल अपना मटर पकाने के लिए। वैसे हम मटर की पूड़ी बनाएंगे, हरी मटर की पूड़ी। देखिए दोस्तों, हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा तड़के में। गैस को धीमी कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्च। थोड़ा पक जाएगा तो इसमें अपना हरा मटर डाल के भून लेंगे। काजू, बादाम और छोटी इलायची जब डाल दूंगी, साथ में पकेगा, साथ में पक जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फर्स्ट क्लास खीर हमारा पक रहा है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप लोग जरूर ट्राई करिए। खीर पक रहा है तब तक अपना मटर देखिए कितना पका हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा हल्दी डालेंगे। और स्वाद के अनुसार नमक, जितना मटर होगा मतलब उस हिसाब से नमक डालेंगे। बढ़िया मिला लेंगे, इसके बाद फिर ढकेंगे पकने के लिए। हम ढक देंगे। देखिए ये हमारा गेहूं काटा है, इसमें हम आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे और थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाल के इसको मोयन करके भूखेंगे। हम मिला के फिर आटा अपना गूंथ लेंगे। अब हम अपना मटर देखते हैं हुआ है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारा मटर तो बढ़िया से पक चुका है अच्छे से। इसको हम ठंडा करके, चाहे आप सिलवट्टे पे पीस लीजिए, अगर आपके पास मिक्सर है तो इसमें पीस लीजिए, मैं तो मिक्सर में पीसूंगी। हमारा मटर हो गया है, इसको ठंडा करके मैं फिर पीसूंगी। देखिए दोस्तों, हमारा मटर लगभग ठंडा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे रफली कटा हुआ धनिया। इसको मिला लेंगे बढ़िया से। धनिया को ज़्यादा भून देते हैं तो फिर उसका महक खत्म हो जाता है, इसलिए मैं जब भी हरी मटर की पूड़ी बनाती हूँ तो धनिया के बाद में डालती हूँ पीसने के समय। भाई पिसाए मटर एक
ये देखिए दोस्तों, हमारा खीर एकदम पक के रेडी हो गया। हमने चीनी डाल के पका लिया है। खीर दूध था 1 लीटर, पक के हो गया 1/2 लीटर। ऐसे हम लोग खीर पका के खाते हैं एकदम। आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। देखिए हमने मटर देखिए पीस लिया है, अब इसको हम भर के आटे में छानेंगे। कढ़ाई हमने रख दिया है और गैस हमने ऑन कर लिया है। अब इसमें हम रिफाइंड तेल डालेंगे। अब हम अपनी पूड़ियाँ बनाएंगे, बना के फिर तलेंगे, फिर तल के आप। अब देखिए हम अपनी पूड़ी को भर लेते हैं। थोड़ा संभाल के भरना पड़ता है क्योंकि मटर पीसने के बाद थोड़ा सा गीला टाइप हो जाता है, फिर भी ठीक है। देखिए हमारी भगवान जी की छोटी सी पूड़ी मैं पहले डालूंगी। अपनी सारी पूड़ियों को हम ऐसे ही भर लेंगे बढ़िया से, ताकि फटे ना। भगवान जी को चढ़ा देते हैं। ये देखिए पूरी को हम तल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी पूड़ियाँ छना रहे हैं। हम सभी पूड़ियों को इसी तरह भर के छान लेंगे। दोस्तों देखिए आप कैसे धुआं निकल रहा है। देखिए दोस्तों हमारा खाना बनके तैयार है। मटर की पूड़ी, लौकी चावल दूध की खीर, और मैंने चटनी जो आलू की पूड़ी में चटनी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, जैसे कि टमाटर, हरी धनिया, हरा लहसुन, मिर्चा, अदरक, नमक और थोड़ा सा अमचूर, इन सब की मैंने चटनी बना ली है। और देखिए मेरा खाना बनके रेडी हो गया है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये ना बोलिएगा, वीडियो पसंद आए तो। अगर ये मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। आप सबका धन्यवाद।